भाई अब आगे बढ़ते बात करते हैं भीषण गर्मी की। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप है, इससे आम लोग तो काफी परेशान हैं ही। चुनाव प्रचार में जुटे हुए नेताओं का भी बुरा हाल है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले देवरिया में रैली को संबोधित करते वक्त राहुल गांधी भी गर्मी से परेशान दिखे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको उसी रैली के दौरान की दिखा रहे हैं, जब राहुल गांधी गर्मी से परेशान और गर्मी से परेशान होते हुए पानी की बोतल अपने सर पर उड़ेल लेते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब बात करते हैं मिशन पूर्वांचल की। लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में अमित शाह आज यूपी में धुआंधार प्रचार करने का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, गाजीपुर, यहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे अपना एक कारवां शुरू करेंगे। जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज ग्राउंड से शुरू करेंगे रैली का सिलसिला। महाराजगंज में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे चीनी मिल ग्राउंड देवरिया में बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 3:15 बजे हैबतपुर बलिया में बीजेपी प्रत्याशी के नीरज शेखर के समर्थन में रैली को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे रेलवे चौपन सोनभद्र में जनसभा होनी है गृहमंत्री अमित शाह की। यहाँ वो रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से अपना दल एस के उम्मीदवार रिंकी कॉल और दुद्दी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी श्रवण गौड़ पक्ष में वोट मांगेंगे। शाम 4:30 बजे गाजीपुर में बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में रोड शो करेंगे। तो ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव होने हैं, विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव होने हैं, उन दोनों के लिए ही आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह। तो देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में हर पार्टी ने अपना दम दिखा रखा है। यूपी मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने में सीएम योगी भी जुटे हुए हैं। आज उनकी ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। गोरखपुर में जनसभा उन्होंने कल भी की थी, लेकिन आज भी जनसभा करेंगे। आज ना सिर्फ जनसभा करेंगे बल्कि रोड शो भी करेंगे। 11:30 बजे का समय है जब हाटा कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करना है उन्हें। इसके बाद 12:40 पर भाट पार रानी देवरिया में सलेमपुर लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 1:50 पर सहजनवा गोरखपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:50 पर बांसगांव गोरखपुर में जनसभा होनी है। इसके बाद आपको बताते हैं शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 मिनट पर गोरखपुर में टाउन हॉल चौक से विजय चौक तक का रोड शो भी करने वाले हैं। तो आज एक तरफ ताबड़तोड़ रैलियां तो करेंगे ही मुख्यमंत्री, आज गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन के लिए रोड शो भी करने वाले हैं शाम 5:15। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का दिन आज भी, आखिरी चरण का मतदान होना है 1 जून को। अब 7वें चरण के मतदान से पहले हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। यूपी की 13 और बिहार की 14 को साधने के लिए, माफ कीजिए, बिहार की 4 सीटों को साधने के लिए जो कि 7वें चरण में मतदान होना है, इनके लिए सीएम योगी मिशन पूर्वांचल पर डटे हुए हैं। ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिनके जरिए मोदी सरकार के 10 साल बनाम विपक्ष के 70 साल का उदाहरण पेश किया जा रहा है। साथ ही फर्क भी बता रहे हैं तब की और अब की सरकार में, जिससे सबसे अहम मुद्दा जो बताया जा रहा है वो राम मंदिर का है। देखिए रिपोर्ट। यूपी और बिहार में योगी का धुआंधार प्रचार उस राजनीति का हिस्सा है जिससे आखिरी चरण के रण में हिंदुत्व, राम मंदिर और सनातन का संदेश पहुंचाया जा सके। योगी की ताबड़तोड़ रैली इस लिहाज से भी खास है ताकि विपक्ष के प्रायोजित एजेंडे को सामने लाया जा सके। कुछ ऐसी ही तस्वीर
सीएम योगी की जनसभा में दिखी, जब उन्होंने एक बार फिर राम के नाम विपक्ष के नकारात्मक सोच का पैगाम जनता के सामने रखा। बिहार में जहां कहीं भी मैं गया, वो बिहार की जनता ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और यहां की जनता बार बार कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के, राम भक्त ही राज करेगा। और हमारे मोदी जी ठहरे परम राम भक्त, और आपका सौभाग्य है कि 500 वर्षों की भगवान राम के 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करने के भगवान राम के वकील आपके प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद जी ही है। योगी जहां भी जाते हैं जय श्री राम के जयकारों से उनका अभिवादन होता है। योगी जो भी कहते हैं जनता टकटकी लगाकर एक एक शब्द जहन में उतार लेती है, और जनता उस विकास मॉडल पर भी मुहर लगाती है जो 7 साल में योगी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की पटल पर अटल हो गया। सीएम योगी ने इन सबसे अलग उस मुद्दे को भी उठाया जो देश हित में सबसे जरूरी और अहम है, आतंकवाद और नक्सलवाद। सीएम योगी ने कहा, आपके सही वोट से ही देश का विकास होगा, आपके वोट से ही दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, बीजेपी सरकार में आतंकवाद का समाधान मिला, बीजेपी सरकार में नक्सलवाद का समाधान निकला। यानी सीएम योगी ने साफ कर दिया, जो पिछली सरकार में नहीं हुआ उसे 10 साल में पीएम मोदी ने करके दिखाया है। याद करिए 2014 के पहले जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, आतंकी वारदात होती थी, सुबह अखबार पढ़ते थे पहला समाचार आता था किसी महाघोटाले का, और सायकाल होते होते आतंकी विस्फोट की घटना सामने आती थी। हम लोग सांसद थे, संसद में चिल्लाते थे, कहते थे इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं, सीमा पार के हैं। और आज आप देखते होंगे इन आतंकवादियों का आका पाकिस्तान क्या हालत है। आज कोई पटाखा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया हिंदुस्तान है। सीएम योगी अपने पूर्वांचल मिशन के जरिए न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार की 4 सीटों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, ताकि काशी के इर्द गिर्द की सीटों पर भी मजबूत पकड़ बनाई जा सके। ऐसे में योगी का यूपी बिहार का दौरा विपक्ष के लिए परेशानी तो एनडीए के लिए रामबाण से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे। रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर में इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में। सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी के लिए जनता का सहयोग मांगेंगे। डिंपल यादव भी कुशीनगर में आज रोड शो करने वाली है। 3 बजे रोड शो का कार्यक्रम है। अखिलेश यादव दोपहर 12:15 पर सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनसभा करने वाले हैं। दोपहर 1:45 पर हाइडल मैदान रॉबर्ट्सगंज में इंडिया गठबंधन के लोकसभा क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज से प्रत्याशी छोटे लाल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 बजे बरकचा कला मिर्जापुर में इंडिया गठबंधन के मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रमेश बिंद पर उनके लिए भी चुनावी जनसभा को आज संबोधित किया जाना है।